नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस। इस वीडियो में हम बात करेंगे 100 रुपया से भी नीचे के जो अच्छे शेयर है, क्वालिटी से है, उसके बारे में। हमारे बहुत सारे व्यूवर्स ने कमेंट किया, सर हमें वैसे शेयर बताएं हम छोटे रिटेल इन्वेस्टर के लिए, जिससे कि हम भी इन्वेस्ट कर सकें, मतलब 100 रुपया से नीचे के शेयर बताइए जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकें। तो इसमें हम 100 रुपया से नीचे के शेयर आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन इसमें भी आपको लेवल्स पता होना चाहिए किस लेवल्स पर आपको इन्वेस्ट करना है, क्योंकि ये शेयर जो थे पहले बहुत ही हाई लेवल प्राइस पर हुआ करते थे, लेकिन अभी आपको बहुत ही करेक्शन प्राइस पे मिल रहे हैं। उसमें भी आपको सारे लेवल्स बताएंगे जिस लेवल्स पे आपको इसमें अपना इंस्टॉलमेंट लगाना चाहिए, मतलब अपना जो स्टॉक में SIP मोड में इन्वेस्टमेंट है वो स्टार्ट करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें हमारे चैनल पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज हैं, जिसे देखकर स्टॉक मार्केट आप सीख सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सीख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका हर एक लाइक हमें एक नई मोटिवेशन देता है आपके लिए अगले वीडियो को बनाने के लिए। तो चलिए सबसे पहला शेयर जो है हमारा मदरसन सुम्मी सिस्टम लिमिटेड, देख सकते हैं 94 रुपीज का है। ये स्टॉक्स मैंने आपको तभी बताया था जब ये 63 रुपीज का हुआ करता था, उसी समय हमने बताया था कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक्स कई सारे इन्वेस्टर को जो है करोड़पति बना चुका है, मिलीनियर बना चुका है ये स्टॉक्स। कैसे बना चुका है ये, जबकि ये स्टॉक्स तो बहुत ही चीप वैल्यू पर अवेलेबल है, फिर भी ये करोड़पति कैसे बना दिया, तो ये बोनस है। बोनस का जो मैजिक है, अगर आप नहीं जानते हैं बोनस किस प्रकार आपके रिटर्न को मल्टीप्लाई कर देता है, तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने बोनस के मैजिक के बारे में बताया है। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं हमारे चैनल पर जाकर के या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके। तो मदरसन सुम्मी सिस्टम जो है हमारा बहुत ही बेहतरीन स्टॉक्स है, एक MNC कंपनी है, समझ सकते हैं, एक MNC कंपनी। स्टॉक्स आपको 94 रुपीज़ 20 पैसा पर भी मिल रहा है, लेकिन अभी आप इसमें इन्वेस्ट ना करें, इसमें थोड़ा करेक्शन का इंतजार करें, क्योंकि OTO मोबाइल सेक्टर बहुत दिनों से अंडर परफॉर्म रहा है और आगे भी रहने वाला है। तो ऐसे में आपको जैसे करेक्शन प्राइस पर मिलता है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका काम क्या है, तो ये ग्लास बनाता है, जो आप देखते हैं ना बाइक में जो रियर व्यू मिरर होता है, जो जिसे हम पीछे के मिरर में देखते हैं ड्राइवर लोग, और जो ग्लास होता है वो सारे बनाते हैं। और इसके कारोबार जो है यूरोप में बहुत ज़्यादा है, चाइना में है, इंडिया में है, तो समझ सकते हैं इंडियन कंपनी है। और डिविडेंड यील्ड देखते हैं कितना शानदार है, 2.39% का डिविडेंड यील्ड, तो डिविडेंड यील्ड भी शानदार है। पी रेशियो देख सकते हैं अभी बहुत ही हाई है, देख सकते हैं 21 का है, तो इसमें थोड़ा सा करेक्शन का वेट कर सकते हैं। अभी आप देखिए 5 डेज का रिटर्न, तो अभी ये अप है थोड़ा सा, 1 मंथ में भी देख सकते हैं अप है, लेकिन 6 मंथ में देखिएगा तो ये बहुत ज़्यादा डाउन आया था, देख सकते हैं यहाँ पर 53 रुपीज़ तक आया था। तो यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते थे, थोड़ा सा और करेक्शन का वेट करें, जैसे 70 रुपीज़ के आसपास आता है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर फिर भी चाहते हैं आप इन्वेस्ट करें ही, तो छोटा सा अमाउंट अभी आप इसमें लगा सकते हैं, क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर आगे भी अंडर परफॉर्म रहने वाला है, या आप वेट करें Q1 रिजल्ट का, क्योंकि Q1 के रिजल्ट में पूरी तरह से 0 सेल्स आने वाला है, 0 नहीं तो थोड़ा बहुत सेल्स आएगा, तो समझ सकते हैं प्रॉफिट में कितना फॉल होगा। जब प्रॉफिट में इतना ज़्यादा फॉल होगा तो स्टॉक तो करेक्शन आएगा ही, मतलब स्टॉक में करेक्शन तभी देखने मिलता है जब प्रॉफिट में फॉल होता है। तो आप Q1 के रिजल्ट का भी वेट कर सकते हैं, 1 महीने बाद Q1 के रिजल्ट भी आने लगेंगे, मतलब जुलाई में, जून तक का, मतलब हमारा जून क्वार्टर का जो है जुलाई में रिजल्ट आने लगेगा। तो देख सकते हैं ये स्टॉक्स कितना बेहतरीन रिटर्न दिया है लॉन्ग टर्म में, देख सकते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पर 40,000% का। और यहाँ पर स्टॉक देख सकते हैं ये हमारा है 56 पैसा का, वास्तव में ये 56 पैसा का स्टॉक कभी नहीं हुआ करता था। ये बोनस देने से स्टॉक का जो प्राइस होता है उसी रेशियो में कम हो जाता है, उसके कारण इतना कम प्राइस आपको देखने मिल रहा है। तो ये मत समझिएगा कि ये इस स्टॉक का प्राइस कभी इतना पैसा हुआ करता था, ऐसा बात नहीं है, बोनस के कारण वो जो प्राइस है उतने रेशियो में कम हो जाता है। तो देख सकते हैं अभी ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत दिनों से अंडर परफॉर्म रहा है, फिर भी ये स्टॉक्स जो है देखते हैं 145 रुपीज़ का हुआ करता था, तो जैसे और करेक्शन में मिलता है 70 रुपीज़ 60 रुपीज़, उस समय बाय कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है इसमें खोने के लिए आपके पास, सारा चीज़ आपको मतलब प्रॉफिट ही प्रॉफिट इसमें रहेगा, क्योंकि MNC कंपनी है और इतना सस्ता वैल्यूएशन पे स्टॉक मिलेगा। देख सकते हैं वो डिविडेंड यील्ड भी शानदार है, हर चीज़ शानदार है। उसके बाद हमारा आता है दूसरा टाटा मोटर्स लिमिटेड, आप जानते हैं टाटा ग्रुप की कंपनी है, बेहतरीन कंपनी है, मोबाइल सेक्टर बहुत दिनों से अंडर परफॉर्म रहा है, इसीलिए ये स्टॉक्स आपको इतने मतलब चीप वैल्यू पर उपलब्ध है। देखते हैं 86 रुपीज़ 70 पैसा, बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पर आपको स्टॉक्स मिल रहा है। कभी ये स्टॉक भी बहुत ज़्यादा नीचे आया था, देख सकते हैं, अभी आपको हम 6 मंथ का रिटर्न दिखाते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए, देख सकते हैं 70 रुपीज़ का ये स्टॉक्स हुआ करता था, उस समय आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते थे। थोड़ा सा या करेक्शन का वेट कर सकते हैं, जैसे इसमें करेक्शन आएगा तो फिर आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं।
अब लॉन्ग टर्म में देखिएगा तो ये स्टॉक्स देख सकते हैं, लॉन्ग टर्म में कभी जो है बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएशन का हुआ करता था, अभी तो आपको बहुत सस्ते वैल्यूएशन पर ये आपको मिल रहा है। देख सकते हैं ये स्टॉक्स कभी 564 रुपीज़ का हुआ करता था, समझ सकते हैं इतना हाई वैल्यूएशन का ये स्टॉक्स अभी बहुत सस्ते वैल्यूएशन पर आपको मिल रहा है। तो आप इसमें इन्वेस्ट करें, अभी भी फर्स्ट SIP इसमें आप लगा सकते हैं और जैसे करेक्शन होता है तो फिर इसमें और इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगला स्टॉक है हमारा अशोक लीलैंड। दोस्तों अशोक लीलैंड भी एक बेहतरीन स्टॉक्स है, अशोक लीलैंड भी आपको देखते हैं अभी बहुत ज़्यादा करेक्शन पर आपको मिल रहा है, ये स्टॉक भी 150 रुपीज़ का हुआ करता था, अभी बहुत ज़्यादा करेक्शन में मिल रहा है। डिविडेंड यील्ड देखते हैं कितना शानदार है, 5% का डिविडेंड यील्ड है। तो इस स्टॉक में अभी आप फर्स्ट SIP लगा सकते हैं क्योंकि ये स्टॉक अपने 52 वीक लो के करीब ही है और जैसे जैसे मतलब हमारा सिचुएशन नॉर्मल होता है वैसे वैसे इस स्टॉक में आपको तेज़ी देखने मिलेगा। तो आप देख सकते हैं 6 महीने का यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 52 वीक लो 35 रुपीज़ तक आया था। लॉन्ग टर्म में देखेगा तो ये स्टॉक्स भी बेहतरीन रिटर्न दिया है, देखते हैं कभी ये हमारा 160 रुपीज़ का हुआ करता था स्टॉक्स, अभी आपको बहुत ही ज़्यादा करेक्शन पर मिल रहा है। ये भी एक MNC कंपनी है, इसका जो बड़े बड़े बसेस हैं जो ट्रक हैं वो आपको श्रीलंका इंडिया चाइना सब जगह देखने मिल जाएंगे। तो इसमें आप फर्स्ट स्टेप ही लगा सकते हैं, जैसे और करेक्शन आता है तो फिर और अपना इंस्टॉलमेंट बढ़ा सकते हैं। तो ये सारे बेहतरीन स्टॉक है जो कि 100 रुपये से भी नीचे के प्राइस पर भी आपको मिल रहे हैं, पहले इस ये सारे स्टॉक जो बहुत महंगे हुआ करते थे। उसके बाद फेडरल बैंक है दोस्तों, फेडरल बैंक भी बेहतरीन स्टॉक्स है, ये भी अपना जो लगातार बहुत ही अच्छे रिजल्ट दिए हैं पीछे वाले, लेकिन इस Q1 का रिजल्ट कैसा रहेगा ये देखने लायक होगा। Q1 का रिजल्ट भी अगर अच्छा देता है तो निश्चित है ये स्टॉक्स आगे जा करके बहुत ही अच्छा कर सकता है। तो फेडरल बैंक बहुत ही अच्छा स्टॉक्स है, डिविडेंड यील्ड इसका भी देख सकते हैं बहुत ही शानदार है, बैंकिंग सेक्टर में डिविडेंड यील्ड आपको इतना बहुत कम स्टॉक्स के देखने मिलेंगे। अब इसका देखिएगा तो ये अपने 52 वीक लो के करीब ही है स्टॉक्स है, तो आप अपना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इसमें लगा सकते हैं, जैसे करेक्शन आता है तो और आप इसमें अपना इंस्टॉलमेंट बढ़ा सकते हैं। लेकिन Q1 का रिजल्ट देखने लायक होगा कि Q1 का रिजल्ट अगर बेहतरीन आता है, Q1 का रिजल्ट अच्छा आता है तो निश्चित है कि आप इसमें एक अच्छा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत ही फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है और देखते हैं लॉन्ग टर्म में कितना बेहतरीन रिटर्न दिया है, आप देख सकते हैं 10,000% तक का रिटर्न दिया है लॉन्ग टर्म में, तो समझ सकते हैं कितना बेहतरीन स्टॉक्स है ये। उसके बाद अगला हमारा है IDFC First Bank, ये भी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन स्टॉक में से एक है और ये भी देखते हैं स्टॉक्स तो अपने 52 वीक लो के आसपास ही है। आप इसका जो Q4 का रिजल्ट है बहुत ही बेहतरीन आया जिसके बाद इसमें थोड़ा सी तेज़ी देखने मिला है, नहीं तो ये स्टॉक्स देख सकते हैं 18 रुपीज़ का हुआ करता था, अभी 4 रुपया का तेज़ी इसमें आ चुका है जब Q4 का रिजल्ट आया। Q4 के रिजल्ट में ये जो है बड़े बड़े बैंकों से भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट पेश किया, मतलब पॉजिटिव रिजल्ट पेश किया, जबकि बहुत सारे बड़े बड़े बैंकों के जो रिजल्ट है बहुत ज़्यादा फॉल कर चुका है। देख सकते हैं अपने 52 वीक लो पर चल रहा है, तो आप इसमें चाहें तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लगा सकते हैं, लेकिन Q1 का रिजल्ट देखने के बाद इन्वेस्ट करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि Q1 का रिजल्ट कैसा होता है ये देखना होगा, क्योंकि Q4 का रिजल्ट तो बहुत अच्छा पेश किया लेकिन Q1 का रिजल्ट कैसा आता है इस बैंक का उसको देखने के बाद अगर इन्वेस्ट करें तो ज़्यादा बेहतर है। अगला है हमारा IOC द इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। देख सकते हैं मात्र 83 रुपीज़ का स्टॉक मिलाकर रहा है ये, अभी मात्र देख सकते हैं ये 83 रुपीज़ का ये स्टॉक्स है और 5 पॉइंट से अप है आज देख सकते हैं लास्ट ट्रेडिंग डे, और ये देख सकते हैं 7% का इसमें मतलब अप मूवमेंट देखा गया है। लेकिन ये स्टॉक्स जो है एक गवर्नमेंट स्टॉक्स है, मतलब एक PSU स्टॉक्स है, मतलब कि एक नवरत्न कंपनी है, लेकिन अभी तो आपको बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर के स्टॉक्स है वो आपको चीप वैल्यूएशन पर मिल रहे हैं, तो फिर गवर्नमेंट सेक्टर में इन्वेस्ट करने में बनता नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कोई डिविडेंड के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है कि उसको रेगुलर डिविडेंड के रूप में इनकम चाहिए तो देख सकते हैं 8% का डिविडेंड यील्ड, समझ सकते हैं कि आपको कितना ये ज़्यादा डिविडेंड देता है, मतलब ये आपको 83 रुपीज़ के स्टॉक है 10 रुपीज़ आपको डिविडेंड के रूप में ही दे देगा, देख सकते हैं इतना बेहतरीन स्टॉक्स है 10 रुपीज़ डिविडेंड के रूप में आपको, तो इसलिए अगर कोई डिविडेंड के रूप में रेगुलर इनकम चाहता तो वो इन्वेस्ट कर सकता है, नहीं तो अभी आपको बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर के स्टॉक्स ही बहुत ही ज़्यादा चीप वैल्यूएशन पर मिल रहे हैं तो आप उसमें इन्वेस्ट करें। लेकिन 100 रुपीज़ से नीचे की बात था तो हमने जो अच्छे स्टॉक्स था उसको ले लिया, तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ये भी बेहतरीन स्टॉक्स है और ये स्टॉक्स भी आपको बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन मिल रहा है, देख सकते हैं पहले ये स्टॉक्स भी 200 रुपीज़ के आसपास हुआ करता था, अभी मात्र 83 रुपीज़ पर ये स्टॉक्स आपको मिल रहा है, तो समझ सकते हैं ये स्टॉक उन्हीं के लिए है जो डिविडेंड के रूप में रेगुलर इनकम चाहते हैं, क्योंकि इसमें ग्रोथ देखने आपको बहुत कम मिलेगा। जो PSU सेक्टर के स्टॉक है
उसमें ग्रोथ आपको बहुत कम देखने मिलेगा, लेकिन डिविडेंड के रूप में आपको इनकम बहुत ही शानदार मिलेगा। तो ये स्टॉक्स उनके लिए है जिनका एज बहुत ही ज़्यादा है, 40 ईयर्स है, तो उनके लिए डिविडेंड के रूप में रेगुलर इनकम उनको चाहिए 10 साल बाद, चाहे तुरंत चाहिए, तो उनके लिए ये स्टॉक्स है। तो आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, हो सकता है लॉन्ग टर्म में ये भी अच्छा रिटर्न दे, क्योंकि PSU सेक्टर बहुत दिनों से अंडर परफॉर्म रहा है, तो लॉन्ग टर्म में हो सकता है ये भी अच्छा ग्रोथ देखने में मिले। लेकिन डिविडेंड आपको हमेशा शानदार मिलेगा, मतलब डिविडेंड इतना मिलेगा कि आपको 5 से 10 साल में आपका सारा का सारा जितना इन्वेस्टमेंट होगा वो वापस हो जाएगा, और समझ सकते हैं ग्रोथ देखने मिला तो वो एक्स्ट्रा। तो ये होता है हमारा ये अच्छे डिविडेंड वाले स्टॉक्स का जो क्वालिटी है। उसके बाद देखते हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ये इसका डिविडेंड तो और ज़्यादा है, देख सकते हैं 15%, मतलब 6 साल में आपका रुपया पूरी तरह से वापस। सब इतना अधिक डिविडेंड यील्ड है कि 5 से 6 साल में आपका रुपया गारंटी है कि आपका वापस हो जाएगा जितना इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा। तो जो भी डिविडेंड के रूप में रेगुलर इनकम चाहते हैं तो IOCC से अच्छा भी ONGC है, IOCC से अच्छा ONGC है, तो समझ सकते हैं इतना बेहतरीन स्टॉक्स PSU सेक्टर का आपको मिल रहा है। इसमें जो क्वालिटी की बात है कि इसमें आपको गवर्नमेंट सेक्टर का सिक्योरिटी मिलता है कि ये स्टॉक में रुपया लगाते हैं तो आपका कभी डूब नहीं सकता, क्योंकि ये गवर्नमेंट कंपनी है जो कि कभी बंद नहीं हो सकती है। और जैसे आप इस बैंक में कोई इन्वेस्ट किया होगा तो वो स्टॉक 400 से 25 रुपये पा गया तो उसमें इन्वेस्टर का रुपया पूरी तरह से डूब गया, लेकिन ये इस स्टॉक में आपको लॉन्ग टर्म चार्ट में देखेगा तो ये जहाँ है वहीं का वहीं रहेगा। लेकिन इस स्टॉक में ना तो ज़्यादा ग्रोथ देखने मिल रहा है ना तो ज़्यादा फॉल, और अभी जो फॉल आपको देखने मिल रहा है इतना फॉल कभी देखने नहीं मिलेगा। तो इसमें गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है आपके पास, आपको रुपया डूब नहीं सकता। लेकिन डिविडेंड देखिए 15% का रिजल्ट, 15% रिटर्न तो आपको यूं ही मिल रहा है, 15% रिटर्न के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। अभी आपको 15% रिटर्न इसमें यूं ही मिल जाएगा सिर्फ डिविडेंड के रूप में, तो समझ सकते हैं ये भी स्टॉक्स बेहतरीन है, क्योंकि 15% रिटर्न तो आपको डिविडेंड के रूप में यूं ही दे देगा ये स्टॉक्स। इसके बाद आता है बैंक ऑफ बड़ौदा, दोस्तों SBI के बाद जो दूसरा सबसे लीडिंग बैंक है हमारा PSU सेक्टर का वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। लेकिन PSU सेक्टर के स्टॉक बहुत दिनों से अंडर परफॉर्म रहे हैं, लेकिन देख सकते हैं पीछे भी ये भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रिटर्न दिया था इन्वेस्टर को, लेकिन बहुत दिनों से ये अंडर परफॉर्म है PSU सेक्टर। और ये स्टॉक्स 200 रुपीज़ का हुआ करता था, अभी मात्र 38 रुपीज़ में मिल रहा है, तो ऐसे मतलब मिट्टी के भाव में आपको ये स्टॉक्स मिल रहे हैं, तो ऐसे में कौन नहीं इन्वेस्ट करना चाहेगा। डिविडेंड भी यील्ड भी शानदार है, देख सकते हैं 3.10% का, जबकि आपको बहुत सारे बैंकिंग सेक्टर में बहुत कम डिविडेंड यील्ड आपको देखने मिलेगा, लेकिन इस स्टॉक का देख सकते हैं डिविडेंड कितना शानदार है। तो अगर आप चाहते हैं कि सस्ते में अच्छा स्टॉक में इन्वेस्ट करना तो बैंक ऑफ बड़ौदा भी अच्छा है, क्योंकि जो इंडिया का दूसरा लार्जेस्ट PSU बैंक है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स जो कि आपको 100 रुपये से नीचे मिल रहे हैं क्वालिटी स्टॉक्स। तो अगर आप चाहते हैं कि सस्ते में मतलब कम रुपया वाले स्टॉक में इन्वेस्ट करना तो ये सारे बेहतरीन स्टॉक्स हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम तो आपको कहेंगे कि आप मदरसन सुमी, टाटा मोटर्स, अशोक लीलैंड, फेडरल बैंक, IDFC, फर्स्ट बैंक, इसी में से 2-3 स्टॉक में मात्र इन्वेस्ट करें। आप अपना रिसर्च कर लें, मतलब आप अपना रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी सलाह ले लें और फिर जा कर के इन्वेस्ट करें। तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।